स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना, ये गलत ये हो गया है, ठीक है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले को देखते हैं। हम बिहार के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि बिहार में अगर नेशनल हाईवे की आप सर्वाधिक लंबाई देखो, तो इस लंबाई वाला 3 जिला कौन है? तो सबसे पहले पटना आएगा, ठीक है। 506 किलोमीटर एनएच की लंबाई है यहाँ पे। सेकेंड नंबर पे मधुबनी है और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है। तो एनएच की अगर सर्वाधिक लंबाई पूछा जाए आपसे कि बिहार में किसकी है, तो पटना की है, देन मधुबनी की है और उसके बाद मुजफ्फरपुर की है। उसके बाद एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले को देखें, तो इसमें सबसे कम कहाँ पे है? तो शिवहर में है, बस 22 किलोमीटर ही शिवहर में एनएच की लंबाई है, ठीक है। सेकंड शेखपुरा में है और थर्ड लखीसराय में है। तो यही आपसे ना मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि भारत सॉरी बिहार में ना एनएच की लंबाई कितनी ओवरऑल, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेकेंड है कि स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले, तो कौन है स्टेट हाईवे में सर्वाधिक लंबाई वाले जिले? तो पहले नंबर पे गया है, दूसरे नंबर पे दरभंगा है और तीसरे नंबर पे नहीं देखना है हमें, ठीक है। गया, दरभंगा और तीसरे नंबर पे याद रखना, तो याद रख लीजिएगा रोहतास है। ये कुछ कुछ ना एरर हो गया इस पीडीएफ में, तो मैं आपसे हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ इस क्लास को देखने के बाद इस पीडीएफ को यूटिलाइज़ कीजिएगा। अदरवाइज बाद में आपको फिर शिकायत करने को मिला कि मैम आपने ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले को हम देखें, तो सबसे पहले नंबर पे पटना आता है। प्लीज़ इसको याद रख लेना कितना परसेंटेज शहरीकरण है पटना में, तो 44.3% है। देन मुंगेर आएगा आपका, फिर नालंदा आएगा। अब हम देखते हैं माई टॉप 20 करेंट अफेयर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मिशन परिवर्तन। ये ना 4 मई 2023 को हमारे जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। मिशन 60 दिन के तर्ज पर ना मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। इनका उद्देश्य क्या है मिशन परिवर्तन को लागू करने का? अगर आप उद्देश्य को देखोगे ना, तो हॉस्पिटल को ना मरीज फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। जैसे इको फ्रेंडली की बात करते रहे, वैसे मरीज फ्रेंडली पेशेंट फ्रेंडली बनाना है। किस चीज़ को? हॉस्पिटल को। किस किस अभियान का, किस पोर्टल का ये उद्देश्य है? तो मिशन परिवर्तन का। नेक्स्ट आप देखोगे बेफिकर ऐप, ठीक है। ये बेफिकर ऐप का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, तो बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरीगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। आपको इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि बेफिकर ऐप किस लिए लाया गया होगा। बिहार में जो बाढ़ और सूखा का प्रभाव है ना, उसको कम करने के लिए बेफिकर ऐप लाया गया है। अब किसके द्वारा लाया गया है? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। तो प्लीज़ आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक नया इनिशिएट लिया गया है ये। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। हमने इसको पढ़ा था नेशनल वाले में, लेकिन यहाँ पर हम वापस से पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार हम बिहार की रैंकिंग देखेंगे इसमें। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसमें सर्वाधिक पदक किस राज्य के द्वारा जीता गया था? तो महाराष्ट्र के द्वारा। अगर हम बिहार की स्थान देखें इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो बिहार का स्थान था 24वां। और बिहार ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण था, 1 रजत था और 5 कांस्य पदक था। तो बिहार को स्वर्ण पदक जो है तलवारबाजी में आकाश कुमार ने दिलवाया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो कि आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, जिसमें बिहार की रैंकिंग 24 थी और बिहार ने 7 मेडल लेके बिहार आया था। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, ठीक है। राज्यों में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले को प्लांट एवं मशीनरी की जो लागत होती है, उसमें 15% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति है ना, इसमें जो भी बायोफ्यूल्स का प्लांटेशन करेंगे ना, उनको ना 15% की सब्सिडी दी जाएगी। बट ये जो ग्रांट होगा ना, वो अधिकतम कितने का होगा? तो 5 करोड़ तक का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं करने वाले वो। नेक्स्ट है वन महोत्सव, ठीक है। वन महोत्सव जो है ना, 10 जुलाई को बिहार के प्रत्येक जिले में सेलिब्रेट किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 10 जुलाई को। और इस मौके पे ना, जो हमारे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो सरकारी नर्सरी है ना, उनसे लोगों को ना 5 पौधे जो है वो निःशुल्क दिए जाएंगे, ठीक है। तो कितने पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे? तो 5।
उसके बाद ये अष्ट धातु निर्मित मूर्ति, ये जो है ना लखीसराय जो है हमारा जिला है उसमें किऊल नदी है उस पे स्थित है एक रामपुर बालू घाट, वहां पे ना उत्खनन का काम चल रहा है। तो उत्खनन के दौरान ही क्या हुआ ना कि आज से 2000 वर्ष पुरानी जो है अष्ट धातु निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। तो अभी उस पर शोध चल रहा है, ठीक है, कि किस जमाने का है, किस काल का है, इस सब के बारे में। सर्वश्रेष्ठ उद्योग को प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ उद्योग को जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो कौन बना है, तो हमारा जो ये है ना एनटीपीसी बरौनी, उसको मिला है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार। कब मिला है, तो 17 जून 2023 को। और किसने दिया ये, तो जगदीप धनकर जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड। गीता का अनुवाद मैथिली में हुआ है, ये ना अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण जो है उसने क्या किया है कि गीता का अनुवाद जो है वो मैथिली लैंग्वेज में किया है। और आपको पता है कि बिहार की जनकपुर की रहने वाली है, बट ये अभी फिलहाल कहाँ रह रही है, तो अमेरिका में रह रही है। नेक्स्ट है अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, ये एक पुस्तक है जो कि नीतीश कुमार के जीवन पे लिखी हुई है। इसके लेखक कौन है, तो उदय कांत है। और इसको जो है हमारे जो पूर्व सीएम है लालू यादव और आरजेडी के जो ये हैं उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। कौन से पुस्तक का, तो अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। नैक प्रदत्त A++ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। बहुत ही VVI है ये, क्योंकि ये उपलब्धि पाने वाला ये बिहार का प्रथम कॉलेज है। नैक जो होता है ना यूनिवर्सिटी की, वो फीडबैक लेके उस पर रैंकिंग देता है, ग्रेड देता है, ठीक है। तो नैक जो है ना वो हमारा जो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, उसको ना नैक ने A++ की ग्रेड दी है। और ऐसा प्राप्त करने वाला वो बिहार का इकलौता कॉलेज, मतलब पहला कॉलेज बन गया है। कितनी ग्रेड पॉइंट मिली है उसको, 3.58 ग्रेड पॉइंट मिली है। रक्षक मोबाइल ऐप, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मतलब अचीवमेंट वाली बात है, ठीक है। इसको विकसित किसने किया है, तो एन कॉलेज पटना जो है वहाँ के BCA के छात्र ने रक्षक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, मतलब बनाया है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा ना कि आपात स्थिति में जो सतर्कता होता है ना उसका संदेश भेजा जा सकता है। और ये जनरली ना महिलाओं को और जो वृद्ध है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होगा। तो रक्षक मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो एन कॉलेज के जो छात्र है BCA के, उनके द्वारा। नेक्स्ट है बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनने जा रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर में बनने जा रहा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर का जो कंपनी बाग है वहाँ पे बिहार का ना एकदम अत्याधुनिक लैस से, तकनीक से लैस ब्लड बैंक जो है वो कहाँ बनने जा रहा है, मुजफ्फरपुर में बनने जा रहा है। 3 करोड़ का बजट तय किया गया है यहाँ पे ना मुजफ्फरपुर में। आपको वन हेल्थ वन लैब सेंटर भी खुलने जा रहा है। अब है संबौर कुंवर, अब ऐसी आ जाए कि बताइए हाल ही में चर्चा में रहे संबौर कुंवर क्या है, तो आपको पता होगा तो ही तो आप आंसर कर पाओगे। तो संबौर कुंवर जो है वो चावल की एक नई किस्म है जिसको ना विकसित किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा। यह ना कम पानी में, मतलब 25% तक के कम खाद में 110 से 115 दिन में तैयार होने वाला धान का एक नया किस्म है। उसके बाद है घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश। तो ये जो घड़ियाल वन्य जीव बनाने का निर्देश है ना, ये जो NGT है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत टाइप कर दिया है इन्होंने, ठीक है, जो NGT है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उनके द्वारा ना बिहार सरकार को बोला गया कि आप क्या करो ना सोन नदी जो है ना उसमें घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाओ, ठीक है, ऐसा निर्देश दिया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है, तो सोन नदी में। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 ये आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये मोतिहारी में आयोजन हुआ, मतलब पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे, तो मोती झील में। ये 10वां संस्करण था और इसका उद्घाटन किया गया बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा, ठीक है। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट, पहला तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी कहाँ पे है, तो पूर्णिया में बना था, दूसरा ना मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा है। ये इस संयंत्र की क्षमता ये होगी ना कि मक्का से प्रतिदिन 110 किलोमीटर क्या करेंगे, इथेनॉल उत्पादन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में, और 152 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसको विकसित किया गया है।
बिहार का चौथा कृषि रोड मैप ये कब स्टार्ट हुआ? तो 1 अप्रैल 2023 को, और इसकी अवधि आप लोग याद रखेगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। बिहार का पहला वन्य जीवन अस्पताल, ठीक है, ये भी मुजफ्फरपुर में ही बनेगा, मुजफ्फरपुर के शेरपुर में। इसमें क्या होगा ना कि वन्य जीव को रेस्क्यू करने के लिए 15 दिन तक अस्पताल में रखकर उसकी पूरी देखभाल की जाएगी। मान लो कोई घायल हो गया है वन्य जीव, तो उसको 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रखेंगे, उनका देखभाल करेंगे, फिर उसके बाद उनको जंगल या उसके जो भी अधिवास है उसमें जाके छोड़ आएंगे। देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल ये कहाँ बनने जा रहा है? तो बिहार में गंगा नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा, और इस ब्रिज का निर्माण L&T व कोरियाई कंपनी जो है देबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी वो कर रही है, ठीक है। तो देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किस नदी पे होने जा रहा है? तो गंगा पे। और इस 6 लेन पुल की कुल लंबाई जो है वो 22.76 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है BSEB मोबाइल ऐप, इसको जारी किसने किया है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। उद्देश्य क्या है कि इस ऐप पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेगी, ठीक है, और मैट्रिक व इंटरमीडिएट के जो भी स्टूडेंट हैं सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से ले सकते हैं। ऐसे होता था इधर उधर भागना पड़ता था क्या नोटिफिकेशन है क्या नहीं, अब आप इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सारे नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो एक ही जगह, ठीक है। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आप उस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे कल न्यू टॉपिक के साथ, न्यू सेशन के साथ। तब तक सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।